सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों दी वल। श्री अकाल तख्त साहिब विखे सिख बुद्धिजीवियों की कट्टरता पंथक मसलों को लेकर की जाएगी विचार चर्चा। जसबीर सिंह गढ़ी नूं मायावती ने पार्टी चों कढ़िया बाहर। अवतार सिंह करीमपुरी होणगे पंजाब बीएसपी दे नवें प्रधान। एक फोन कॉल ने दिखाया बाहर दा रस्ता। आप विधायक दा विवादित बयान हेमा मालिनी दीआं गल्लां वर्गीआं सड़कां, कहा नरेश बालियान ने। भाजपा ने कड़े शब्दां च कीती निंदा। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह वालों तनखाहीए करार दिए गए सुखबीर सिंह बादल समेत होर पंथक मामलों बारे विचार चर्चा करने लिए सिख विद्वाना ते बुद्धिजीवियों की एकत्रता सदी गई। इस एकत्रता विच तखत श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, तखत श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पुजे हुए ने। हालांकि अकाल तख्त ने बादल के विवादित फैसलों का वेरवा नहीं दिता। अकाली दल के बागियों वालों लिखे पत्र च दोष लाया गया कि बादल ने डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम एक पुराने केस श्री अकाल तख्त साहब तो माफ़ी दवाने की कोशिश की है। बादल के विरोधियों ने 2015 कुछ शरारती अंसर वालों गृह विभाग का पोर्टफोलियो रखने के बावजूद सिखा के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना संबंधित घटनावान नजिठण लिए पंथक धिर के आगू वजह ढुकवी कार्रवाई न करने का दोष भी लाया। सब दजर अज की मीटिंग से टिकिया हुई ने, क्योंकि धार्मिक माहिर सिख बुद्धिजीवियों के विचार वटांदरे तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब वालों सुखबीर बादल लिए ऐलानी जाने वाली सज़ा बारे विचार सामने आने की उम्मीद है। श्री अकाल तख्त साहिब विखे सिख विद्वाना ते बुद्धिजीवियों की होर एकत्रता च भाग लैण पहुंचे तखत श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बीते दिन कनेडा विखे वापरिया घटनावां बारे कहे कि अजिहियां घटनावां दा वापरना निंदण योग है, पर इस नाल सिखां नूं जोड़ना होर भी निंदण योग है। उन्होंने कहा कि सिख कदे भी किसी दूजे धर्म के मामले च दखल अंदाजी नहीं दिंदे, पर कनेडा घटना के मामले च सिखां नूं जान बुझ के बदनाम करन की कोशिश की जा रही है। ढप नूं जिहड़ा है मंदिर ते हमला जिहड़ा करदानिया गया और पेश किया गया, ये बहुत मंदभागा है। तुसीं देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात किन्ने खराब रहे ने। उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरद्वारा साहिबान के उत्ते हमला बोलिया सी, लेकिन बदले दे विच किसी सिख ने पंजाब दे विच कदे किसी मंदिर के उत्ते हमला नहीं किया। सिख कदे किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमले नहीं करते होंगे। हाँ, 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जो भारत के सिखा का नरसंहार होया सी, उस दौरान गुरुद्वार के उत्ते हमले जोड़े आ जरूर हुए। कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जी हुई झड़प में भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसर ने जोड़ा है सिखा वालों मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा वो करदानिया, ये बहुत गलत है। सिखा खिलाफ़ बरतान सिरजा जा रहा है। उल्टा माल्टन गुरुद्वारे के उत्ते जोड़ा है बाहर गड्डिया की भन तोड़ जी की है कुछ शरारती अंसर ने, वो मंदभागा है। तो मैं समझदा कि ये कोई हमला नहीं है किसी मंदिर के उत्ते और ना ही सिख किसी के धार्मिक स्थान के उत्ते हमला कर। अमरीका च राष्ट्रपति चोणां लई वोटां दी गिणती दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ते रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप विचाले होण वाले मुकाबले च ट्रंप ने जित दर्ज कीती है। रुझानां ते नतीजियां दे विच ट्रंप अगे रहे, जदों कि कमला हैरिस ने मीडिया नाल गल करन तों इनकार कर दिता है। हार्वर्ड यूनीवर्सिटी विच कमला हैरिस दा प्रोग्राम भी रद्द कर दिता गया। मन्निया जा रहा है कि अमरीका दी पहली महिला राष्ट्रपति बनण दा उन्हां दा सुपना चकनाचूर हो गया। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप दी जित दा ऐलान कीता है। नतीजिया के ऐलान तो बाद ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी तय हो गई है। उन्होंने समर्थकों में जश्न का माहौल है, जितों बाद ट्रंप ने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया।
बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने पंजाब बसपा प्रधान जसबीर सिंह गड़ी नू पार्टी चो बाहर कर दिता। इस नाल ही उन्होंने यह ऐलान किया कि अवतार सिंह करीमपुरी पंजाब बसपा के नवे प्रधान होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब बसपा प्रधान जसबीर सिंह गड़ी नू पार्टी विचों बाहर कढ़न दा कारण अनुशासनहीनता दसिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि अवतार सिंह करीमपुरी पंजाब BSP के नवे प्रधान होंगे। दिल्ली विच आम आदमी पार्टी दे एक विधायक दे बयान नूं लैके सियासत गरमा गई है। भाजपा ने उत्तम नगर दे विधायक नरेश बालियां ते उहनां दे कथित बयान सड़कां हेमा मालनी दीआं गल्लां वर्गियां ते हमला कीता। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल तों मंग कीती है कि औरतां दे अपमान दे इस मामले च विधायक नरेश बालियां नूं आम आदमी पार्टी चों कढ देना चाहीदा है। भाजपा दी सीनियर नेता हेमा मालनी मथुरा तों लोकसभा मैंबर है। भाजपा सोशल मीडिया ते सामने आई एक वीडियो क्लिप प्रतिक्रिया दे रही थी जिस विच आप पार्टी के विधायक नरेश बालियां नूं कथित तौर पर कहते हुए सुनिया जा रहा है कि इस महीने की 35 तरीक तक सारे काम तेजी नाल मुकम्मल हो जाएंगे। उत्तम नगर दियां सड़कां नूं हेमा मालनी दियां गल्लां वांग बनाया जाएगा। जदों इस मुद्दे ते बालियां नाल उन्हां दे फोन ते संपर्क साध्या गया तां उन्हां वल्लों तुरंत कोई जवाब नहीं दिता गया। देश की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा साडे विचकार नहीं रहे ने, पर उन्हां दी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। दिवाली तो लैके छठ के त्यौहार तक उन्हां दे गीत हर घर गली मुहल्ले ते छठ घाट विच गूंजदे रहिंदे ने। देर रात जदों उन्होंने दिल्ली के एम्स च आखिरी सांह लिया तां ना सिर्फ यूपी बिहार बल्कि पूरे देश च सोग दी लहर दौड़ गई। दस दिए कि महज 72 साल की उम्र में उन्हां दा देहांत किसी वड्डे सदमे तो घट नहीं। उन्हां दे बेटे अंशुमन सिन्हा मुताबिक बिहार कोकिला मल्टीपल माइलोमा वर्गी गंभीर बीमारी तो पीड़ित सन, इसलिए डॉक्टर की सलाह से उन्होंने एम्स च भर्ती कराया गया। कुछ दिनों तो हालात अजिहे बन गए कि हस्पताल च लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने आखिरी सांह लिया। त्यौहारां दे सीजन च इन्हीं दिनी ट्रेनां च भारी भीड़ ते स्टेशनां ते हफड़ा दफड़ी दीआं तस्वीरां सामने आउंदीआं ने। छठ पूजा तो पहलां कई अजिहीआं तस्वीरां सामने आईआं सन जदों लोक ट्रेन दे हर डब्बे च इस दी समर्था तों लगभग दुगने सफ़र करदे देखे गए सन। इस वीडियो च तुसीं देख सकदे हो कि एक कुड़ी चलदी ट्रेन च चढ़न दी कोशिश कर रही है, जिस च देखिआ जा सकदा है एक कुड़ी प्लेटफार्म ते एक फूड स्टॉल तों चिप्स आदि खरीद रही है। इस दौरान ट्रेन चलण लगती है पर लड़की अजे भी स्टॉल ते खड़ी रहिंदी। उह शायद अपना मोबाइल फोन कट के भुगतान करन दी कोशिश कर रही सी। जदों गड्डी ने रफ्तार फड़नी शुरू की तां इह देख के लड़की अपने हाथ च चिप्स का पैकेट छड़ के ट्रेन वल वधदी है ते चलदी ट्रेन च चढ़न की कोशिश करन लगती है, पर इस लापरवाही के नतीजे बेहद खतरनाक साबित होंदे ने, जिस दौरान कुड़ी ट्रेन ते प्लेटफार्म दे विचकार डिग जांदी। श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों MSP नूं लैके दिए गए बयान ते प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कैप्टन नूं सलाह दी कि कैप्टन नूं फसलां दी MSP नूं लैके केंद्र सरकार नाल राबता बनाउणा चाहिए। देखो गल ये है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा ये कहना कि MSP मिल नहीं सकती, जिथे तक तो सारिया फसलों से नहीं मिल सकती। सारिया फसलों तो कदे किसान ने मंगी ही नहीं, वो तो किसान जथेबंदियां किसान तो मंग रहे हैं भी 23 फसलों से, पहला 22 ते सी हुण 23 ते आ, भी जिन्निया फसलों तुसीं कहा वो तो घट्टो घट्ट दो, अपनी ऐलानी हुई मतलब भा जिहड़े ने उन्हां ते तां खरीदो। हुण हो की रहा, पहला तो बारिश की मार न तीन तीन चार चार क्वांटल झोना एक एकड़ पिछे घट निकलिया, तो हूँ एक क्वांटल पिछे डेढ़ डेढ़ 200-200 रुपया घट लाया जा रहा। तो तीजी गल ये भी अज तक मंडिया जाके देख लो 13-14 का मॉइस्चर आ रहा, कदे पहला तो 19% 20% तक मॉइस्चर से झोना बेचते रहे किसान, हूँ 13-14 का मॉइस्चर जरा फसलों तो सुक गया रख के खेतों पिछे वड्डिया नहीं लोगों ने, तो अज उदे ते भी कट लग रहा 13-14 मॉइस्चर वाले झोने से भी 150-200 रुपया क्वांटल पिछे कट लग रहा, तो किसान बचूगा कितने? किसान तो रगड़िया गया 8-10 हज़ार करोड़ रुपए के किसान की जेब चो पैसा निकल गया। सो ये चिंता वाली गल आ, फिक्र वाली गल आ। कैप्टन साहब मैं कहाँगा कि गरंटी मंग रहे किसान जिहड़ियां फसलां MSP ऐलानी आ उन्हां ते मंग रहे ने, ना कि वह सारिया फसलों से कह रहे हैं।
तो वह तो जे दी नहीं जा सकती उन्होंने गरंटी फिर ऐलान क्यों करते हैं सो जे ऐलान करते हैं तो खरीदनी चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल खालसा शताब्दी कमेटी ते पटियाला दीयां होर धार्मिक सोसाइटियां दे सहयोग नाल जगत माता गुजर कौर जी की 400 साल जन्म शताब्दी नूं समर्पित माता गुजरी जी नगर कीर्तन 21 नवंबर दिन वीरवार नूं सवेरे 7 बजे गुरुद्वारा श्री दुखनवान साहिब पटियाला तो माता गुजरी के जन्म स्थान करतारपुर साहब जलंधर विखे समाप्त होएगा जिस विच वख-वख धार्मिक शख्सियतां शमूलियत करनगियां। जिस संबंधी तैयारियां नूं लैके मीटिंग की गई जिस बारे वधेरे जानकारी गुरुद्वारा साहब के हैड ग्रंथी यानी प्रणाम सिंह कमेटी मेंबर हरविंदर पाल सिंह बिंटी वालों दी गई। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी सतगुरां जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब दे मीटिंग हाल दे विच अज दी इह एकत्रता होई। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे महल पूजनीक माता जी दादी माँ माता गुजर कौर जी साहब कमाल सरबंसदानी धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के पूजनीक माता जी और साहबजादियों के दादी माँ जो साढ़े सारे पंथ की दादी माँ है उस दादी माँ माता गुजर कौर जी के 400 साल जन्म शताब्दी मुख रखद जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचिया संप्रदावान सेवा सुसायटियां समुचिया नानक नाम लेवा संगतों को लैकर के पटियाला शहर के खालसा शताब्दी कमेटी पटियाला शहर दिया समुचिया सेवा सुसायटियां समुचिया संप्रदावान समुचिया संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां दल पंथ पटियाला के समुचे जिहड़े नौजवान वीर ने सारियां दी अज इस एकत्रता दे विच जिहड़े ने उह सारियां दे विचार लै गए क्योंकि नगर कीर्तन अलौकिक नगर कीर्तन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के पावन स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब तो आरंभ हो के पड़ा दर पड़ा चलदा जो तकरीबन तीन बजे के करीब यह नगर कीर्तन श्री करतारपुर साहब पहुँचेगा। इस नगर कीर्तन को सफल बनाने के लिए अज एकत्रता हुई इस एकत्रता दे सारिया ने पूर्ण सहयोग दिता और सारिया सेवावां की जिम्मेवारी लई सो समुचिया संगतों समुचे नानक नाम लेवा संगत को पटियाला शहर दियां संगतों माता गुजर कौर जी दे 400 साल जन्म शताब्दी की लख लख वधाई होवे। सतगुर कृपा करने समुची सेवा आसीस ते मेहर भरिया हथ रख के चढ़ती कला के पैर विच आप करवा लैन सो समुची संगत जिन्नी भी आप जी दे टाइम टीवी चैनल के माध्यम राही सुन रही है मैं बेनती करा कि 21 नवंबर नूं सवेरे 7 बजे नगर कीर्तन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहबान की अगवाई दे विच अलौकिक नगर कीर्तन 7 बजे सवेरे 21 नवंबर नूं गुरद्वारा दुख निवारण साहब तो आरंभ होणगे अते 21 नवंबर 3 बजे जाके इस नगर कीर्तन की समाप्ति गुरद्वारा गंगसर साहब विखे करतारपुर साहब विखे होवेगी। समुचिया संगतां नूं बेनती है कि आओ वध चढ़ के इस नगर कीर्तन के शमूलियत करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मामला अमृतसर के राम तीर्थ रोड से पिछले 40 सालों तो चल रहे एक निजी स्कूल नाल जुड़िया है जिथे अगस्त महीने विच भी भू माफिया वालों स्कूल के खेड मैदान नूं निशाना बना के कब्जा करन दी कोशिश की गई ते बाद विच 3 नवंबर नूं मुड़ स्कूल दीआं दीवारां ते स्टेज तोड़ी गई जिस संबंधी स्कूल दी चेयरपर्सन वालों मामला विधायक कुंवर विजय प्रताप दे ध्यान विच लिया के इंसाफ दी मांग की गई है। कुंवर विजय प्रताप वालों यह मामला पुलिस कमिश्नर दे ध्यान विच लिया गया इस उपरंत आरोपियां ते FIR दर्ज हुई। टांडा रोड से देर रात प्राचीन मंदिर के सामने बैठे बेसहारा लोगों नूं चंदा देने लई सड़क क्रॉस कर रही NRI की पत्नी नूं XUV गड्डी ने कुचल दिता। गड्डी के टायर औरत के सिर उत्तों दी लंघ गए जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय हादसा होया उदों औरत के दोवें छोटे बच्चे भरा ते उसका दोस्त कार विच बैठे सन। ज्यों ही पुलिस नूं इस संबंधी सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुँच के उन्होंने वालों जांच शुरू की गई। उन्होंने कहा कि गड्डी नाल एक्सीडेंट करके चालक टांडा फाटक वाल गड्डी भजा के लै गया। थाना नंबर 8 रिया के भरा के बयान से केस दर्ज कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल की मोर्चरी से रखवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे भी चैक किए जा रहे हैं जल्द मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया का पति काफ़ी समय तो जर्मन में रह रहे।
अमृतसर के मजीठा रोड से अवतार एवन्यू में दिवाली वाले दिन चोरों वालों घर की कंध टप के घर के अंदर दाखिल होकर लखां रुपया के सोने के गहने से 50,000 रुपये नकदी चोरी करने का मामला सामने आया। थाना सदर की पुलिस वालों मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके पीड़ित परिवार ने कहा कि वह मजीठा रोड से अवतार एवन्यू इलाके च रहिंदे ने ते उह बीते दिन ही किसी काम लिए घरों बाहर गए सन। जो 4:30 बजे वो घर वापस आए तो उन्होंने घर चोरी हो चुकी से। उन्हें कहा कि उन्होंने वालों इस दी शिकायत थाना सदर की पुलिस को दी गई है, पर अजे तक पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। देर रात मोगा के रेलवे स्टेशन से डीएपी खाद का रैक पहुंचिया। श्रोमणी अकाली दल के वख किसान जथेबंदियां डीएपी खाद के रैक को पहुंचिया। किसान जथेबंदियों का दोष है कि जो यह रैक मोगा लिए आया सी, पर जिमनी चोणा के मद्देनजर रैक मोगा तो वख वख साधना राही बरनाला भेजा जाना, जिसका विरोध किसान जथेबंदियों वालों किया जा रहा। देर रात तो ही किसान जथेबंदियों के आगू रेलवे ट्रैक से बैठ के मसला इन्ना भक गया कि मोगा प्रशासन ने वड्डे पद्धर से पुलिसकर्मी उन्होंने तैनात करने पे। किसान आगू बलकौर सिंह गल कलां अमरजीत सिंह सैदोके तो इलावा श्रोमणी अकाली दल के साबका डायरैक्टर खादी बोर्ड पंजाब राजवंत सिंह माला वालों सूबा सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार लखविंदर सिंह ने कहा किसान आगुआ वख वख पार्टियां नुमाइंदियां की सलाह अनुसार डीएपी खाद जिले में बनिया कोऑपरेटिव सोसायटियां भेजन के नाल नाल प्राइवेट डीलर भी भेजी जा रही है, ताकि किसानों खाद लैन च कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि किसानों की सहमति के नाल ही मसला सुलझा लिया गया। तो मेरा लाइव होने का मकसद सिर्फ इदा ही सगा कि जो डीएपी का रैक साढ़े मोगे लग रहा, वो सानू इनफॉर्मेशन मिली सी भी जरा 60% साढ़ा मोगे के सोसायटियां की खाद सी, 40% मोगे के डीलर की खाद सी। वो 40 ट्रक इन्होंने कल पकारे से बरनाले भेजने को, उत्थे वोटां पै रही जो साढ़े मोगे के किसान आ जो फसल बीजने वालों बैठे है, ये सारे बेचारे सानू ए शक भी फसल बीजने रह जाने, उस करके मैं लाइव होया सी। पर साडा जो शक सीगा वो अज क्लीयर हो गया, जो इतना आके पता लगे 4,000 पहले भेजने बजाय हम 2,000-2,500 के कोई सौदा कर फिरते हैं भी 2,500 बरनाले भेजेंगे जी, 2,500 की बजाय भी 4,000 बरनाले चली जानी, जी 40% डीएपी डीलर की वो भी उत्थे चली जानी, साडा किसान फिर रह जाना। हुण सारे किसान तुसीं देखो जिन्हें भी आए खड़े सोसायटियां वाले सैकटरी भी आए हुए है, किसान जिमीदार भरा भी आए हुए है, मेरी उन्होंने बेनती है भी जिहड़ियां बेल्टियां इत्थों कट्टी दियां, एक तां बेल्टी साडी सोसायटी की कट्टी जाए, खाद सोसायटी जाए ना कि किसी निजी खाते सोसायटी खाद जाए, सोसायटी की बेल्टी होवे। तो किसान भरावों ने मेरी बेनती है भी जो थोड़ी गड्डी इतों निकलती है आपकी गड्डी वो गड्डी के नाल रखो, यह ना हो गड्डी इतों बेल्टी लेके निकले सद्दे वाले की सिंघा वाले की तो चौंक से जाके बेल्टी बदल के बरनाला हो जाए। इस करके मेरी बेनती है भी सारा कुछ स्पष्ट हो गया, जी एड्डी फोर्स लगी है, फोर्स इस करके नहीं लाई भी किसान खाद चाह के भज जाएंगे, वो इस करके लाए भी इन्होंने खाद चाह के बरनाले भजना भी इन्हों रोकना भी ये ना सू रोकन भी बरनाले जाने तो। ये पहली बारी देख रहे भाई जी खाद न लुट के किसी होर शहर भेजने वास्ते पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा। मैडम जी खेतीबाड़ी अफसर अपने स्वर्ण कौर जी आए ने, उन्होंने कहण का कुछ होर आ कर गल उन्हें उही पौनी जो पिछों सरकार का हुक्म है, तो सरकार के हुक्म के खिलाफ ही सारी संगत जी इतने खड़ी है भी साढ़े मोगे के किसानों का डीएपी है वो सानू मिले, साडियां सोसायटियां मिले, साडे किसानों की फसल बीजने वाले बन। सीएम सिटी में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला, जिथे फास्ट फूड खाने पहुंचे नौजवान की कुछ नौजवानों ने कुटमार की, उसका सड़क पर शरेआम कुटापा चाड़िया जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है। फिलहाल लड़ाई के असल कारण का पता नहीं लग्या, पर यह वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। टांडा के शिबला पहाड़ी पार्क कुड़मुड़ में पावरकॉम पेंशन एसोसीएशन भोगपुर मंडल से जुड़े पेंशनर ने अपनी मंगों के हक च आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ रोस विखावा किया। प्रधान छतर सिंह पुरनचंद ते होर आगुआ की अगुवाई में हुई मीटिंग दौरान पेंशनर ने दोष लाया कि सूबा सरकार उन्हां दीआं हकी मंगां प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, जिस कारण उन्हां विच रोस है। उन्हां आखिया कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ना प्रवान होईआं तां आने वाले दिनों वड्डा संघर्ष किया जाएगा। नजर मारते हैं अज्ज दे मौसम दे हाल दे वाल।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद। This program is sponsored by the Singular Office, Bakersfield. For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Flankbird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard, find authentic Indian cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website, or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy, find authentic Indian cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi, made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered, California, certified agency manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.